वेलकम बैक टूडे आई एम गोइंग टू डिजाइन बी सी डी कोड टू एक्सेस थ्री कोड कन्वर्टर सर्किट विच इज अ टॉपिक ऑफ डिजिटल सिस्टम डिजाइन तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि बी सी डी कोड क्या है और एक्सेस थ्री कोड क्या है सो बी सी डी कोड इज डिफाइंड एज इन बी सी डी कोड डेसिमल डिजिट जीरो थ्रू नाइन आर रिप्रजेंटेड बाई देयर बाइनरी इक्वैलेंस यूजिंग फोर बिट्स मतलब डेसिमल डिजिट जीरो से नाइन तक को रिप्रेजेंट करने के लिए फोर बिट बाइनरी के हम लोग सेलेक्ट करते हैं यानी कि जीरो से नाइन तक फोर बिट बाइनरी का लेकर के रिप्रेजेंट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट द मोस्ट बी सी डी कॉमन कोड इज एट फोर टू वन हियर एट फोर टू वन इज बाइनरी वेट एसोसिएटेड विद फोर बिट द फोर बिट्स इज डिफाइंड एज टू टू पावर ज़ीरो टू टू 1, वन टू टू पावर टू एंड टू टू पावर थ्री तो दिस बीसीडी कोड इज नेचुरल बीसीडी कोड इसके अलावा भी बीसीडी कोड हो सकते हैं उनका वेट अलग होगा फॉर एग्जाम्पल फोर टू टू वन ये भी एक बीसीडी कोड है लेकिन इसका वेट अलग अलग है एम एस बी का इसका वेट फोर है एल एस बी का वन है यहाँ पर एम एस बी का वेट एट है और एल एस बी का वेट

इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एस थ्री और ई एक्स थ्री इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं द सेकेंड पॉइंट इज द एक्स एस थ्री कोड कैन बी ऑप्टेंड फ्रॉम द बी सी डी कोड बाई एडिंग थ्री दैट इज जीरो जीरो वन वन टू ईच कोडेड नंबर सपोज फाइव बी सी डी में जीरो वन जीरो वन है इसका एक्सेस थ्री फाइंड करने के लिए इसमें थ्री ऐड कर देंगे यानी कि जीरो जीरो वन वन इट मीनस दिस विल बिकम वन वन जीरो वन वन जीरो वन वन जीरो एंड कैरी वन दिस इज द एक्सेस थ्री कोड फॉर फाइव द नेक्स्ट पॉइंट एक्सेस थ्री कोड इज नॉन वेटेड कोड एंड ऑल्सो है सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर्टी ये एक प्रॉपर्टी है जो सप्ट्रेक्शन में यूज होती है जब कभी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड आएंगे तो वहां पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड को से कैसे सप्ट्रैक्ट करते हैं तो चलिए सर्किट डिजाइन करते हैं पी सी डी टू एक्सेस थ्री कोड कन्वर्टर पॉइंट नंबर वन फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स बीसीडी कोड है इट मींस फोर होगा एंड टोटल नंबर ऑफ आउटपुट टोटल नंबर ऑफ आउटपुट इज आल्सो फोर द सेकंड पॉइंट इज फॉर डिजाइनिंग कॉम्बिनेशनल सर्किट असाइन लेटर सिंबल सो वी विल

BCD कोड देखिए यहाँ पर फोर बिट ली हुई है जिससे कि हमारे पास सोलह बाइनरी नंबर होंगे सिक्सटीन बाइनरी नंबर होंगे लेकिन चूंकि BCD कोड केवल जीरो से नौ तक डिफाइंड है या जीरो से नाइन तक डिफाइंड है तो इन डेसिमल डिजिट को केवल फोर बिट से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके लिए जीरो 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 वन जीरो जीरो वन जीरो 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 वन वन जीरो वन जीरो जीरो इस टेबल को फटाफट भर लेते हैं अब एक्सेस थ्री कोड फाइंड आउट करने के लिए हर एक बीसीडी नंबर में थ्री ऐड कर देते हैं तो ये जीरो है तो इसका बीसीडी कोड हो जाएगा थ्री इसका नेक्स्ट हो जाएगा फोर इसका नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स जाएगा फाइव एंड सो ऑन तो चलिए इसको फेयर कर लेते हैं ये मैंने इसको फेयर कर लिया यहां पर मैंने डिजिट सारे के सारे भर दिए एक्सेस थ्री कोड अब चूंकि ये जो नंबर है ये तो फोर बिट नंबर है तो सिक्सटीन तक जाएगा टोटल सिक्सटीन नंबर होंगे तो जो भी नंबर इसमें अवेलेबल नहीं है वो हम लोग क्या करेंगे डोंट केयर कर देंगे डोंट केयर कंडीशन में उनको ले जाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले के मैप आउटपुट के लिए तो के मैप आउटपुट के लिए देखिए फोर वेरिएबल है तो फोर क्रॉस फोर का K map, K map के मैप के मैप के रो एंड कॉलम्स के वैल्यूज एंड इनके डेसिमल इक्वेलेंट इन ब्लॉक्स अब चलिए वन बाई वन इसको सॉल्व करते हैं तो के मैप फॉर ई नॉट ई नॉट कॉलम को सिलेक्ट किया ई e नॉट पे देखते हैं वन कहां कहां है जीरो टू फोर सिक्स एंड एट इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर फिल कर देते हैं और नाइन के आगे जितने भी नंबर होंगे वो सब क्रॉस से फिल कर देंगे क्योंकि वो डोंट केयर में जाएंगे तो मैं नंबर फिल कर देता हूँ देखिए मैंने नंबर फिल कर दिया अब यहाँ पर आप देखिए मुझे एक ऑक्टेट दिख गया है जो कि ये है इसके अकॉर्डिंग ई नॉट की वैल्यू डी बार होगी तो देखिए इसको सॉल्व कर लिया ये डी बार आ गया देन के मैप फॉर इवन ईवन कॉलम को सिलेक्ट करते हैं इवन कॉलम में वन कहां कहां पर है जीरो थ्री फोर सेवन एट के मैप में वैल्यूज भर लेते हैं नाइन के आगे सारे डोंट केयर सारी वैल्यूज आ गई एक आप देखिए क्वाड बन रहा है दूसरा ये क्वाड बन रहा है इन दोनों क्वार्ट को सॉल्व कर दिया ये आ गया सी बार डी बार और दूसरा आ गया सी डी इट मीन ये एक्सनॉर गेट हो गया तो ई वन इज योर एक्सनोर ऑफ सी एंड डी सेम एस द के मैप फॉर ई टू अब ई टू के लिए के मैप अब ई टू को सिलेक्ट करते हैं ई टू में वन वन पे है वन टू थ्री फोर एंड नाइन चलिए इन वंस को फिल कर देते हैं के मैप में एंड नाइन के आगे जो भी डिजिट है दैट इज डोंट केयर ऑलरेडी आपको मैं बोल चुका हूँ तो यहाँ पर आप देखिए तो चलिए इनका पेयर बनाते हैं तो यहाँ पर ये एक पेयर आपको दिख गया वन के साथ में एक ये और ये बना लेंगे और दूसरा ये और ये बना लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस लूप के लिए डी सी बार डी बार इस लूप के लिए डी बी बार एंड इस लूप के लिए सी बी बार सो इसके अकॉर्डिंग द E2 टू इज इक्वल्स टू बी सी डी बार ये लूप के लिए बी बार डी बी बार डी इस, इस लूप के लिए एंड बी बार सी लास्ट लूप के लिए तो इसको क्लियर कर देते हैं तो चलिए ई टू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं सिंप्लीफाई करके ये बी आ गया और यहां पर मैंने डिमोर्गन्स प्रॉपर्टी लगा दी डिमोर्गन्स प्रॉपर्टी क्या है ए प्लस बी होल बार इक्वल्स टू ए बार इंटू बी बार यहां पर सी बार डी बार है तो ये सी प्लस डी का होल बार आ गया प्लस बी बार कॉमन ले लिया यहां से तो यहां पर सी प्लस डी आ गया ठीक है ये दोनों आ गए अब यहां पर अगर आप देखें तो बी सी प्लस डी बार बी बार सी प्लस डी यानी कि अगर मैं इसको एक्सोर गेट करूं तो ए बी बार ए बार बी इट मीन्स दिस विल बिकम बी एक्सोर ऑफ सी प्लस डी ये सिंप्लीफाई होकर के आ गया इसको फेयर कर देते हैं वैल्यू ये वैल्यू ये आ गई की देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट कॉलम द्री तो ई थ्री के लिए मैप ई थ्री कॉलम को सिलेक्ट करते हैं थ्री कॉलम में द नंबर ऑफ वंस फाइव सिक्स सेवन एट नाइन फिलअप वंस एंड डोंट केयर यहां पर फिल कर दिया अब यहां पर देखिए ये एक लूप बन गया ऑक्टेट को लेकर के एक क्वाड को लेकर के ये डिजाइन हो गया और एक क्वाड को लेकर के ये तीन डिजाइन हो गया इसको सॉल्व आउट कर देते हैं इस ऑक्टेट के लिए ए आ गया बी डी आ गया इस और इस लूप के लिए बी सी आ गया इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बी कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी सी प्लस डी ये ई थ्री आ गया अब मेरे पास चारों आउटपुट हो गए इनके बुलियन एक्सप्रेशन आ गए अब इनको वन बाय वन चेक कर लेते हैं क्या क्या थे ये आपके सामने ई जीरो ई वन ई टू एंड ई थ्री आ गए अब इसका लॉजिक सर्किट डिजाइन कर देते हैं तो लॉजिक सर्किट के लिए देखिए यहां पर मैंने एक्सप्रेशन लिख रखा है ई जीरो इज सिंपली D का बार इट मींस यहां से एक नॉट गेट लगा दीजिए ये E बार आपको मिल गया यानी कि D बार E बार क्या है C और D का एक्सनॉर है तो एक एक्सनॉर गेट लगा दिया ये C और D है ये C आ गया और दूसरा इनपुट इसका D से आ गया देन B ये एक्सोर गेट है तो यहां पर एक एक्स एक्जोर गेट लगा दिया और इसके साथ में एक ये B है तो B इनपुट कर दिया C प्लस डी का है तो यहां पर एक और गेट लगा दिया जो कि C एंड D से इनपुट है देन E3 के लिए ए प्लस है एक और गेट इ थ्री के लिए ए इनपुट आ गया एंड बी सी प्लस डी यानि की यहाँ पर एक एंड गेट इस एंड गेट से बी आ गया और इस आउटपुट से सी प्लस डी आ गया ये सर्किट डिजाइन हो गया सिंपली इसको फेयर कर देते हैं तो लुक एट दिस ये सिंपल सर्किट डिजाइन हो गया तो होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत जल्दी जल्दी में मैंने समझाया कोशिशें करूंगा नेक्स्ट टाइम से थोड़ा और देख लुक क्योंकि यहां पर समय बहुत कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है सो थैंकिंग यू यू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट मी थैंक यू